सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। और आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे टिप्स फॉर फ्रेशर्स। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने वाले हैं, उनके लिए क्या कुछ टिप्स, एडवाइस, गाइडेंस क्या कुछ रहने वाली है, शॉर्ट एंड क्विक पॉइंट्स में डिस्कस कर रहे होंगे। तो पॉइंट्स कुछ ज्यादा ही है तो वीडियो थोड़ा लंबा खिंच सकता है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अब सबसे पहला डाउट जो मेरे कमेंट सेक्शन में भरता चला जा रहा है कि भैया बेस्ट बुक कौन से हैं रेस्पेक्टिव ब्रांच के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में। अब यहां समझिएगा, एक दो सब्जेक्ट तो होते नहीं है, अगर पूरे चार साल का मिला ले तो लगभग हर ब्रांच में 40 से 50 सब्जेक्ट बन जाते हैं। और बुक आपके 100-200 रुपए के आते नहीं है, बहुत महंगे बुक होते हैं, तो बुक्स खरीदना फिजिबल नहीं है। तो करे क्या, सबसे पहले क्लासेज अटेंड करना चालू करिए। पहले एक दो क्लासेज में रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट के प्रोफेसर बता देते हैं कि इस सब्जेक्ट के लिए ये वाला बुक प्रेफर्ड है। अब उस बुक को डायरेक्टली खरीदना नहीं है, जाकर आप लाइब्रेरी में जाइए, उस बुक को इश्यू करिए। और अगर लाइब्रेरी वाला बुक पसंद नहीं है, पीडीएफ से पढ़ना पसंद है, तो पीडीएफ से डाउनलोड करके पढ़िए। तो या तो पीडीएफ से डाउनलोड करिए, नहीं तो लाइब्रेरी से बुक इश्यू करिए। खरीदना यहां रिकमेंडेड नहीं होता। अब इसके बाद जो मेजर ब्लंडर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, कि अभी अभी तो जेईई मेंस देकर हटे, कोई WBJEE कोई ना कोई कॉम्पिटिशन देकर हटाए, अब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने वाले हो और पूछ रहे हो भैया इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने से पहले, फर्स्ट ईयर से पहले मैं क्या कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ लूं कि फर्स्ट ईयर में थोड़ी आसानी होगी। तो देखिए, हमारा आदत रहता है कि क्लास 10 में जाने वाले हैं, क्लास 9th का एग्जाम खत्म हुआ है, तो भैया क्या पढ़ ले क्लास 10 में जाने से पहले, 11 में जाने से पहले क्या पढ़ ले, 12 में जाने से पहले क्या पढ़ ले, वहां तक चलता है। अब मत करिए, इतना दिन से नर्सरी से, कोई स्टूडेंट क्लास 1 से लेकर 12 तक अभी लगातार पढ़ ही रहे थे ना, 10-15 दिन का भी बीच में ब्रेक मिला, इस ब्रेक को एंजॉय करिए। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को अभी घर से बाहर जाना होगा, हॉस्टल में जाना होगा, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करिए। जेईई मेंस के प्रिपरेशन के दौरान तो टाइम स्पेंड हुआ नहीं होगा, मजाक मस्ती हुई नहीं होगी, तो अभी चिल करिए। एक बार इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए फिर तो 4 साल मेहनत करना ही है, और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो सारी चीजें कॉलेज में जाने के बाद ही हो रही होती है। और ऐसा भी नहीं कि अचानक से कॉलेज में चले गए और पहले दिन से रगड़ के पूरा पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे आपका कुछ ओरिएंटेशन सेशन होता है, कुछ फ्रेशर्स पार्टी होता है, मतलब बिल्कुल चिल सीन होता है। जब क्लास 12th एक बार पास करके हटे हो, कुछ एग्जाम पास किए हो, बहुत पढ़ाई कर लिया आपने, अब थोड़ा मस्ती मजाक, थोड़ा घूमिए फिरिए, इधर उधर जाइए। उसके बाद कॉलेज में भी आएगा तो डायरेक्ट पूरा रिगरस पढ़ाई नहीं चालू होता, कम से कम शुरू के 5-10 दिन तो लाइट माहौल रहेगा, कुछ फ्रेशर्स पार्टी, कुछ ओरिएंटेशन होगा जिसमें कॉलेज में क्या क्या चीजें हैं बहुत कुछ बताया जा रहा होता है, सीनियर्स के साथ इंट्रो हो रहा होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इंट्रो का मतलब स्टूडेंट नहीं समझते, इसे रैगिंग कंसिडर करते और MHRD के पास कंप्लेन कर दिए, यही बहुत बड़ी गलती है। समझिएगा इंट्रो क्या होता है, तो सीनियर आपको बुलाएंगे और पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या है, किस कॉलेज से हो, किस सिटी से थे, किस स्कूल में पढ़ाई की, इस कॉलेज का पूरा नाम क्या है, मतलब एक बेसिक इंट्रो, मजाक मस्ती भी हो सकता है, किस आपका क्या हॉबी है तो अपना हॉबी परफॉर्म करके दिखाइए, सिंगिंग डांसिंग जो भी बोला, लेकिन आपके मर्जी पर हो रही होती है, कोई भी चीज आपके मर्जी के बिना हो रहा है, जबरदस्ती से हो रहा है, तब वो रैगिंग होता है। लेकिन थोड़ा बहुत सीनियर्स के साथ भी यहां हमें कोऑपरेट करना होता है, क्योंकि आप बोलते हो ना कि क्लास 12 तक तो मैं बिल्कुल ही ऐसा सा अजीब सा पर्सनैलिटी का था, उसके बाद 4 साल के बाद मुझे भयानक पर्सनैलिटी बनकर निकलना है, तो उसके बेसिक स्टेप्स यहीं से चालू होते हैं। सीनियर्स के साथ बॉन्डिंग ही आपकी फर्स्ट बॉन्डिंग हो रही होगी, और उसके पहले वाली बॉन्डिंग तो अपने क्लासमेट्स, अपने रूममेट्स, अपने हॉस्टल मेट के साथ रह ही रहे होंगे। अब यहां समझिएगा, दो चीजें मुझे बात करनी है कि सीनियर के साथ किस तरीके की बॉन्डिंग रखनी है और मुझे अपने क्लासमेट के साथ किस तरीके की बॉन्डिंग रखनी है। तो यहां समझिए, पहले सीनियर वाला बात कर लेते हैं। तो सीनियर में बहुत लोग आते हैं कि मैं फर्स्ट ईयर में आया हूं, मैं ही सबका बाप हूं, मैंने तो बहुत बड़ा एग्जाम क्लियर किया है, मुझे सीनियर से कोई मतलब नहीं। फर्स्ट और सेकंड ईयर में रियलाइज नहीं होगा सीनियर्स का इंपॉर्टेंस। जब थर्ड ईयर में जाते हैं ना, भैया आपने ये वाला इंटर्नशिप कैसे किया, मुझे भी गाइड कर दीजिए, इंटर्नशिप निकालना है मुझे, आपने इस कॉम्पिटिशन को कैसे क्रैक किया था, प्लेसमेंट में कैसे मुझे क्या करना होता है, और बहुत कुछ। इवन कॉलेज के इंटरनल अफेयर्स में भी सीनियर्स बहुत हेल्प कर रहे होते हैं, और ये इंपॉर्टेंस फर्स्ट और सेकंड ईयर में पता नहीं चलता, लेकिन इसकी न्यू फर्स्ट और सेकंड ईयर में ही डलनी चालू हो जाती है, क्योंकि जो सीनियर्स के साथ हम बॉन्डिंग कहते हैं ना, वो फर्स्ट और सेकंड ईयर में इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि बड़े भाई छोटे भाई बहन वाला बॉन्डिंग हो जाता है। अब आप चाहोगे फर्स्ट और सेकंड ईयर में मैंने कोई बॉन्डिंग रखी नहीं, अब अचानक से थर्ड ईयर में आ जाऊं और सीनियर के साथ बॉन्डिंग कर लूं, वो पॉसिबल नहीं है। सीनियर्स ने इनफ जूनियर के साथ बॉन्डिंग बना रखी होती फर्स्ट और सेकंड ईयर में, अब उससे ज्यादा वो जूनियर्स को हेल्प नहीं कर सकता, एक इकलौता सीनियर, उसे भी जब आप थर्ड ईयर में गए हो
तो फोर्थ ईयर में होगा, वो भी प्लेसमेंट की अपनी तैयारी कर रहा होगा, तो वो भी बिजी है। तो जो भी करना है हमें फर्स्ट ईयर से ही चालू रखना है। सीनियर्स हो सकता है आपको बोल दे मेरा रूम में सामान शिफ्ट करना है, मेरे असाइनमेंट्स बना दो, चलता है। क्योंकि जब आप सीनियर बनोगे, आपका इंटर्नशिप और प्लेसमेंट का समय आएगा, आप भी अपने जूनियर्स को काम दे रहे होगे, यहां म्यूचुअल बॉन्डिंग चलता है। कभी आप सीनियर की हेल्प कर रहे होगे, कभी सीनियर आपका हेल्प कर रहा होगा, तो बॉन्डिंग हमें बनाकर चलनी है। और खैर अगर आपको नहीं बनाना है सीनियर से, मुझे कोई मतलब नहीं, तो जब आप जाओगे सीनियर के पास थर्ड फोर्थ ईयर में, जब भी आपको जरूरत पड़ेगी, तब सीनियर को भी आपसे कोई मतलब नहीं होगा। ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन है, आपको किस तरह की बॉन्डिंग बनाकर रखनी है। अगर आप चाहते हो मैं अपने क्लासमेट्स के साथ, मैं अपने जो हॉस्टल मेट्स हैं उन्हीं से इंफॉर्मेशन निकलवा लूंगा कुछ, कि ये वाला इंटर्नशिप, ये वाला प्लेसमेंट कैसे निकलता है, तो वो तो तब आपको गाइड करेंगे जब वो खुद उस चीज को एक्सपीरियंस कर रखे होंगे। यानी कि अगर आप अपने क्लासमेट्स के भरोसे बैठे हुए हो, तो आप उनसे दो कदम पीछे ही चल रहे होंगे। तो अब आप देख लीजिए आपको किस तरीके से चलना है। अब यहां बात करते हैं आपको अपने क्लासमेट, अपने रूममेट्स, अपने हॉस्टल मेट के साथ किस तरीके की बॉन्डिंग रखनी है। तो सबसे पहले जो इमीडिएट हॉस्टल मेट होगा, उसे समझिए मेरा एग्जैक्ट भाई बहन ही है। छोटे से बड़े किसी भी जरूरत में आपको उसकी हेल्प करनी है, आपसे उसको मदद, मतलब आप दोनों को एक दूसरे से मतलब होना चाहिए, क्योंकि वही है अब आपका फैमिली। अगर कुछ मुसीबत पड़ती है तो बाहर से लोग नहीं आएंगे, आपके पेरेंट्स इमीडिएटली नहीं पहुंचेंगे, आपका रूममेट जो होगा, आपका हॉस्टल मेट होगा, वही आपकी इमीडिएटली हेल्प कर रहा होगा। तो बिल्कुल भाई बहन वाला बॉन्डिंग रखना है। और बहुत बार होता है जिस हॉस्टल जिस ब्लॉक पे रह रहे हैं हमें उन्हीं से मतलब होता है, उनके साथ ग्रुपिंग कर लेते हैं, ये भी नहीं करना है। ग्रुपिंग करना है अच्छी बात है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं मैं इसी ग्रुप में सिमट कर रह जाऊं। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों से हो सके बॉन्डिंग बनाइए, अलग अलग ब्रांचेस में भी बॉन्डिंग बनाइए। जब हम कहते हैं कि एल्यूमिनाई नेटवर्क चाहिए हमें कॉलेज में, एल्यूमिनाई किससे बनता है, जो अभी इस कॉलेज में पढ़ रहे थे पास आउट हो गए वही हुए ना एल्यूमिनाई। तो आज के डेट में जब आप पढ़ रहे हो, आपके फ्रेंड्स पढ़ रहे हैं, 4 साल बाद वो भी एल्यूमिनाई ही बन जाएंगे। अगर अच्छे ढंग के कॉलेज में हो, या मैं बात कर रहा हूँ IIT, NIT, IIIT, GFTI, टॉप प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद हर कोई कहीं ना कहीं एक अच्छे जगह पर होगा। 5-6 साल नहीं तो 10 साल बाद तो होगा ही होगा, सारे कोई अच्छे जगह पे होंगे। तो आपको नहीं पता कब किससे मुझे क्या मदद मिल जाए। और ये तो चलिए बाद की बात हो गई, इवन कॉलेज में रहते के दौरान स्कॉलरशिप का पता करना है। किसी को किसी स्कॉलरशिप के बारे में पता होगा, किसी को किसी जॉब रोल के बारे में पता होगा, किसी को किन्हीं इंटर्नशिप के बारे में पता होगा। वोकेशनल ट्रेनिंग के दौरान बहुत ज्यादा फ्रेंड्स काम आ रहे होते हैं, तो ड्यूरिंग द 4 ईयर्स आपके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा मदद कर रहे होंगे। अगर आप जितना छोटा ग्रुप रखोगे उतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आप अपने लिए ब्लॉक कर रहे हो, तो ट्राई करिए जितना बड़ा से बड़ा मेरा ग्रुप हो। अब यहां बात करते हैं, स्टूडेंट जैसे ही कॉलेज में आएंगे प्लेसमेंट प्लेसमेंट का रोना रोने लगेंगे, मुझे प्लेसमेंट चाहिए, मुझे इंटर्नशिप चाहिए। लेकिन पहले पता तो करिए किस डोमेन में प्लेसमेंट चाहिए। प्लेसमेंट का समय आएगा फोर्थ ईयर में, लेकिन फोर्थ ईयर में मुझे किस डोमेन में प्लेसमेंट चाहिए पहले वो तो पता करिए। वो कैसे पता चलेगा भैया? तो फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल रही, चाहे वो किसी क्लब के थ्रू, चाहे वो किसी टीम के थ्रू, चाहे कॉम्पिटिशन के थ्रू, चाहे किसी कॉन्टेस्ट फेस्ट, जहां भी मौका मिल रहा है हर जगह पार्टिसिपेट करिए। आपको नहीं पता कि मेरा किस जगह फ्यूचर बनने वाला है। फर्स्ट ईयर में जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें हो सके एक्सप्लोर करिए, तभी आपको पता चलेगा मेरा डोमेन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, मुझे उसी में करियर बनाना है। ये पता कैसे चलेगा जब तक ट्राई नहीं करोगे? तो फर्स्ट ईयर में हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें ट्राई करनी होती है। फर्स्ट ईयर में पता करना होता है कि मेरे लिए क्या चीज इंटरेस्टिंग है, मैं किस में अपना फ्यूचर सोच सकता हूं। सेकेंड ईयर में उसमें रिगरसली मेहनत करना होता है। थर्ड ईयर में जाने के बाद उस पर इंटर्नशिप्स लेने होते हैं, आपका जो जिस डोमेन में इंटरेस्ट आ रहा है उसका इंटर्नशिप, और जो आपका ब्रांच है उसका इंटर्नशिप, दोनों की इंटर्नशिप के लिए फोकस करिए। और प्लेसमेंट्स भी फिर उसी डोमेन के हिसाब से ले रहे होते हैं। तो फर्स्ट ईयर बहुत क्रूशियल बन जाता है। बहुत लोग सिर्फ प्लेसमेंट का रोना रोना ही करते हुए टाइम काट देते हैं, पता चला कुछ नहीं हुआ। क्योंकि देखिए, रोते रहने से और किसी चीज का नाम जपते रहने से कुछ नहीं होगा, उसकी तैयारी करनी पड़ती है। और डायरेक्ट ऐसा नहीं होता कि हम बुर्ज खलीफा पे जाना है, माउंट एवरेस्ट पे जाना है, तो माउंट एवरेस्ट का बस पीक देखे जा रहे हैं, नाम लिए जा रहे हैं, तो हो जाएगा। बेस कैंप से चढ़ाई चालू करनी पड़ती है। पहले पता करना पड़ता है किस बेस कैंप से चालू करूं, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। तो सिर्फ पीक पे जाना है, सबसे ऊपर वाले बेस कैंप पे जाना है, उसका रोना रोने से नहीं होगा। तो पहले फर्स्ट ईयर में जितनी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है सबको ग्रैब करिए।
अच्छा बहुत लोग होते हैं कॉलेज लाइफ, मुझे कॉलेज लाइफ चाहिए, किस कॉलेज में कितना बढ़िया कॉलेज लाइफ है, ये जोश ठंडा हो जाता है जैसे ही कॉलेज में आएंगे। लगता है मेरा क्लासेज छूट रहा है, मेरा तो ये सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा, मेरा सीजीपीए नहीं आ रहा है, सीजीपीए सीजीपीए ही करते रह जाओगे और पता चला कुछ नहीं हुआ। लोग करने वाले सीजीपीए भी मेंटेन कर ले रहे हैं और एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कॉलेज लाइफ किस चीज से बनता है? जो आपके टेक्निकल टीम्स हैं, कल्चरल क्लब्स हैं, स्पोर्ट्स वाले, अगर आपको किसी टीम में पार्टिसिपेट करना है, जो फेस्ट हो गए, यही सारे चीजों से आपका कॉलेज लाइफ बनता है। बहुत लोग करते हैं भैया मुझे तो बस सीजी निकाल कर चले जाना है। जब कंपनी जाएंगे पूछेंगे आपने क्या को करिकुलर एक्टिविटीज की है, आप बोलोगे भैया तो मैंने तो बस सीजीपीए लाया है। अब दो बंदा है कंपनी के पास जिसके पास सीजीपीए भी बढ़िया है और उसने कॉलेज में को करिकुलर एक्टिविटीज भी कर रखे हैं, कंपनी किसे प्रायोरिटी देगा, आपको या उस बंदे को जिसके पास सारी चीजें हैं? को करिकुलर एक्टिविटीज से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आता है। आप किसी टीम में काम कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर में आपको सीनियर्स गाइड करेंगे और जब सेकेंड ईयर में चले गए, थर्ड ईयर में चले गए, तो आप अपने जूनियर्स को गाइड कर रहे होंगे। तो यहां से मैनेजमेंट और लीडरशिप भी आती है। टीम्स और क्लब्स में जब आप रहते हो तो एकेडमिक प्रेशर को भी कैसे हैंडल करना है, या प्रेशर हैंडलिंग, टाइम मैनेजमेंट भी आता है। तो शुरू में फर्स्ट ईयर में लगता है कि ये सब बकवास है, लेकिन उसके बाद फिर रिग्रेट होता है। और सीनियर्स के साथ जब बॉन्डिंग की बात करते हैं तो क्लब्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि किसी भी आप पर्टिकुलर क्लब में गए, वहां से सीनियर्स के साथ बॉन्डिंग बननी चालू होती है। सीनियर देखते हैं जूनियर कुछ ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है चीजों में, तो उसके साथ ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग बनाते हैं सीनियर, टाइम टू टाइम हमेशा कॉन्टैक्ट हो रहा होगा। और फर्स्ट ईयर में लग सकता है कि ये जूनियर सीनियर वाली बॉन्डिंग है, लेकिन ये धीरे धीरे बड़े भाई बहन वाले बॉन्डिंग में चली जाती है। अब यहीं पर जब हम बड़े भाई बहन वाली बॉन्डिंग कर रहे हैं तो क्या यहां भाई बहन भैया दीदी सीनियर्स को बोलना सही है? बिल्कुल नहीं। अब आप जा रहे हो प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर, तो कहां तक हमें चीजें पर्सनल रखनी है, कहां तक प्रोफेशनल रखनी है, वो चीजें हमें जाननी पड़ेंगी। स्कूल तक ये भाई बहन भैया दीदी चलता था, लेकिन कॉलेज में जैसे ही गए, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जो भी हो, आपको अपने सीनियर्स को, अगर मेल सीनियर है तो सर, और अगर फीमेल सीनियर है तो मैम बोलकर ही एड्रेस करना है। क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि क्लास ट्वेल्थ में तो बच्चे बच्चे जैसे थे और जस्ट कॉलेज के बाद हमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है, एक अच्छा पर्सनैलिटी चाहिए, तो एक कॉलेज ही आपका ट्रांजिशन पीरियड होता है। कॉलेज में बहुत सारी चीजें सीखनी है। तो एक बात हो गया कि सर और मैडम बोलकर ही अप्रोच करना है सीनियर्स को, उससे नीचे टॉलरेट नहीं होता कॉलेजेस में, वरना अगर अभी नहीं सीखना तो फिर कॉलेज में सिखा ही दिए जाओगे। अब यहीं पर बात कर लेते हैं कि बहुत लोग होते हैं कि प्लेसमेंट प्लेसमेंट का रोना रो रहे हैं, मतलब बहुत लोग तो बहुत ज्यादा रिग्रेस होकर आते हैं कि मुझे बस फोड़ना है कॉलेज में। तो कुछ लोग इस मतलब इस ठंडे बिहेवियर के साथ भी आते हैं कि बहुत मैंने मेहनत कर ली, अब इंजीनियरिंग में चिल करना है। तो इंजीनियरिंग में चिल करना है मेरे दोस्त, अगर आप ये देखकर आए हो आपके कॉलेज में हाईएस्ट पैकेज जा रहा है और एक एवरेज पैकेज भी जा रहा है, तो एवरेज बनता कैसे है? किसी का लोएस्ट पैकेज भी गया होगा ना, तब तो उस हाईएस्ट पैकेज को गिराकर एवरेज पैकेज बनाया गया है। तो कहीं देख लीजिए वो ठंडा बिहेवियर आपके पूरे क्लास में आपका ही ना हो, कहीं वो लोएस्ट पैकेज वाले कैटेगरी में आप ना आ जाओ। और जब हम देखते हैं 97% 98% प्लेसमेंट जा रहा है, बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है, तो वो 2-3% लोग भी तो हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं हो रहा, कहीं उस कैटेगरी में आप ना आ जाओ। और कॉलेज में बहुत कुछ चीजें सीखनी होती है, बहुत तेजी से टाइम पार होता है, तो उस समय देखिए कि मैं हर एक सेकेंड को यूटिलाइज कर रहा हूं। और इसी हर एक सेकेंड को यूटिलाइज करने का मतलब ये नहीं होता कि दिन दिन भर मैं किसी क्लब में हूं, दिन दिन भर मैं क्लासेज अटेंड कर रहा हूं, दिन दिन भर मैं कुछ ना कुछ मेहनत ही कर रहा हूं, कुछ काम ही कर रहा हूं, फिर कॉलेज लाइफ कब इंजॉय करोगे? अब यहां बहुत खिचड़ी पक गया होगा कि भैया मैं ये भी इंजॉय भी कर लूं, मेहनत भी कर लूं, कैसे होगा? वो जब कॉलेज में जाओगे तो पता चल जाता है। ये शुरू में अभी जो वीडियो देख रहे हो थ्योरी थ्योरी लग रहा होगा, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद प्रैक्टिकल हो जाता है। बस मैं ये बोल रहा हूं कॉलेज लाइफ को इंजॉय करना भी जरूरी है, मेहनत करना भी जरूरी है। मेहनत के अंदर आपका एकेडमिक्स भी जरूरी है और आपका को करिकुलर एक्टिविटीज भी जरूरी है, उसी से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आएगा। सीजीपीए लाने के चक्कर में सिर्फ एक रट्टू तोता बन जाओगे, पढ़ाई का कीड़ा बनकर रह जाओगे, लेकिन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी चाहिए। कभी भी आप जो बोल रहे हो आईआईटी एनआईटी बढ़िया कॉलेज से बढ़िया पोस्ट पर मुझे जाना है बढ़िया कंपनीज में, तो उस पोस्ट वाले को कभी ठंडे पर्सनैलिटी के साथ देखो, बढ़िया पर्सनैलिटी कैसे बनती है? इन्हीं सारी चीजों में जब आप ढेर सारे क्लब्स में पार्टिसिपेट करते हो, अलग अलग खुद को चीजों से एक्सपोजर देते हो, आप बोलते हो एक्सपोजर कॉलेज में कैसे मिलता है? यही सारी चीजों से मिलता है। अच्छा अब यहां पर आप में से कितने लोग हैं जो सोच रहे हैं कि 4 ईयर्स के दौरान मैं अपना जिगरी दोस्त बनाने जा रहा हूं? बिल्कुल बनाइए, लेकिन वहां पर फिर अगेन
पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को दूर दूर ही रखी है। बहुत बार होता है कि मैं जिगरी दोस्त मैंने बना लिया, अब वो किसी कंपटीशन में पार्ट नहीं ले रहा, किसी क्लब में, किसी टेक्निकल टीम में नहीं जा रहा, तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मेरा दोस्त जो कर रहा है मैं भी वही करूंगा। हो सकता है आपका दोस्त किसी और चीज की तैयारी कर रहा हो, कॉलेज में ये भी पॉलिटिक्स चलता है, लोग आपसे डिटेल्स इंफॉर्मेशन निकलवा लेंगे और खुद बिहाइंड द सीन कुछ ना कुछ करते रहेंगे। अब अगर कल को चल के उसका गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन का ही प्लेसमेंट लगता है और आपका नहीं लग रहा, तो क्या आपका दोस्त आपके लिए प्लेसमेंट छोड़ देगा? नहीं ना। तो पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल को अलग अलग ही रखिए। जब तक हॉस्टल में हो, टाइम पास चल रहा है, तब तक करिए दोस्तों के साथ टाइम पास, गपशप करिए, लेकिन जब किसी कॉन्टेस्ट की बात आए, जब किसी कॉम्पिटिशन की बात आए, जब किसी क्लब में जाना हो, जब किसी इंटर्नशिप, किसी वोकेशनल ट्रेनिंग, प्लेसमेंट की बात आए, तब इन चीजों को अलग रखिए। भले ही आपका दोस्त कुछ भी कर रहा हो, आप अपना काम करते रहिए। इसी के बीच में थोड़ा सा क्लास अटेंड करने वाला भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा हाईलाइट करना चाहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्लासेज के भरोसे बैठे रह जाते हैं कि मुझे जो क्लासेज में पढ़ाया जा रहा है, प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, मैं उसी के भरोसे हूं, मुझे अलग से सेल्फ स्टडी नहीं करनी, मुझे अलग से किसी गेट का कोर्स नहीं लेना, मुझे अलग से किसी यूट्यूब चैनल से नहीं पढ़ना, मुझे अलग से किसी बुक से नहीं पढ़ना। अब यहां दिक्कत यह हो जाती है कि प्रोफेसर इनफ तो होते हैं। अगर मैं IIT NIT की बात करूं तो लोग कहते हैं कि प्रोफेसर उतने ढंग से नहीं पढ़ाते, बट अगर आप पढ़िए, उनसे समझने की कोशिश करिए तो पढ़ा देते हैं, और उनके पास हेल्प के लिए जाइए, रीच आउट करिए तो वो भी मदद कर देते हैं। बहुत सारे प्रोफेसर, उन्हें अच्छा लगता है अगर स्टूडेंट्स जाएं, अप्रोच करें हेल्प के लिए, उन्हें अच्छा लगता है। कुछ प्रोफेसर होते जो इरिटेट हो जाते हैं, वो इक्के दुक्के, मतलब 100 में 1-2 प्रोफेसर वैसे मिल जाएंगे, लेकिन यूजुअली प्रोफेसर हेल्पफुल होते हैं। तो यहां हमें यह समझना है कि सिर्फ प्रोफेसर के भरोसे अगर बैठे हो तो सारे क्लासेज अटेंड करने जरूरी हैं। 1-2 क्लासेज अगर छूट जाते हैं तो हम किसी दोस्त का नोट्स लेकर पढ़ रहे होंगे, कभी कभार प्रोफेसर के पास अलग से विजिट कर लिए कोई टॉपिक अगर समझ नहीं आ रहा तो। लेकिन बहुत सारे दोस्त होते हैं जो आपके हॉस्टल रूम पे बैठे रहेंगे, कोई गेट का कोर्स ले लिए हैं, कहीं यूट्यूब चैनल से पढ़ते रहते हैं, तो वो अपना यूट्यूब चैनल या गेट कोर्स से पढ़ रहे हैं। कभी क्लासेज आ रहे हैं तो कभी क्लासेज बंक कर रहे हैं, उनको दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो अलग से पढ़ रहे हैं। अब आपके साथ होता यह है कि आप क्लास के भरोसे बैठे हुए हो, खुद से रूम पे कुछ पढ़ नहीं रहे हो और देख रहे हो मेरे बाकी दोस्त बंक कर रहे हैं तो मैं भी बंक कर लेता हूं। यही ब्लंडर हो जाता है आपका, ना ढंग से कुछ रूम पे सेल्फ स्टडी हो पाया, नहीं यहां पर क्लास में कुछ हो पाया। अब इसके चक्कर में होता क्या है कि ठीक है, थोड़ा बहुत तो मैंने पढ़ लिया ना, अब इंजीनियरिंग कॉलेज में एग्जाम से 1 रात पहले पढ़ाई करके निकाल लूंगा। ये भी बहुत बड़ा ब्लंडर है। अगर आपने पूरे सेमेस्टर कुछ नहीं पढ़ाई की है तो एग्जाम से 1 रात 7 दिन पहले, छोड़िए 10 दिन पहले भी कुछ नहीं होने वाला। अब यहां पर ये चीजें सब्जेक्टिव है। मैं अभी थर्ड ईयर में हूं तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जितना एक्सपीरियंस रहा है उससे बता सकता हूं कि फर्स्ट ईयर में तो समझिए कि 1 रात पहले कुछ नहीं होता, क्योंकि अभी आपके पास कॉलेज में किस तरीके से पढ़ाई, कैसे एग्जाम होती है, वो एक्सपोजर नहीं है। तो पूरे सेमेस्टर कम से कम क्लासेस के अलावा 1-1.5 घंटे तो रूम पे सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। उसके बाद जाकर हम कह सकते हैं एग्जाम से 1 सप्ताह पहले 10 दिन पहले भी पढ़ने से हो जाएगा, अगर आपको ढंग का CGPA चाहिए, 8+ CGPA मेंटेन करना है तो। वरना अगर आपको 5-6 CGPA से खुशी मिलती है तब तो कैसे भी पढ़ लीजिए, उतना आ जाएगा। और यहां पर बात कर लूं कि एग्जाम से 1 रात पहले भी मैंने वो फेज देख रखा है, लेकिन वो तब होता है जब आपके पास इनफ एक्सपोजर हो कॉलेज में किस तरीके से पढ़ाई, कैसे एग्जाम होता है। लेकिन यहां एग्जैक्टली 1 रात पहले ऐसे नहीं होता कि आपने पूरे सेमेस्टर कुछ नहीं पढ़ाई किया और 1 रात पहले हो जाएगा। यहां फिर भी कम से कम आपको एक सिलेबस का आइडिया होना चाहिए पहले से कि किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, किस कौन सा चैप्टर कितना डिमांड करता है। उसके लिए कम से कम बीच बीच में तो क्लासेस लगाने पड़ेंगे, और बीच बीच का मतलब है कम से कम मिनिमम 10 में से 6-7 क्लासेस। और ये 6-7 क्लासेस तो लगाने ही पड़ेंगे दोस्त, क्योंकि आज के डेट में 75% अटेंडेंस कंपलसरी होता जा रहा है, इवन इन IITs एंड NITs। पहले ये सिर्फ ऑन पेपर वाली चीजें होती थी, लेकिन अब कुछ ज्यादा कंपलसरी किया जा रहा है, कुछ ज्यादा फोकस किया जा रहा है 75% अटेंडेंस पे। तो क्लासेस तो आपको अटेंड करने ही है कम से कम 75%। कुछ प्रोफेसर होते हैं जो आपको इस पे रिलैक्सेशन दे देते हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रोफेसर के साथ आज के डेट में ये चीजें नहीं चल रही, क्योंकि डायरेक्टर्स इस पे कुछ ज्यादा फोकस कर रहे हैं अब। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही मुझे कहना था। ऐसे तो पॉइंट्स अभी बहुत कुछ है, बट वीडियो अनस्क्रिप्टेड था, तो जितनी बातें मुझे याद आई मैंने वीडियो में डिस्कस किया, और कुछ पॉइंट्स हैं लेकिन उसके लिए चलिए Part 2 बना दूंगा अगर आपका रिक्वेस्ट रहा तो। और आप और कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए कि और क्या क्या चीजें आपको डाउट्स लग रही है कि फर्स्ट ईयर में क्या करूं,
सेकेंड ईयर में कैसे क्या करना चाहिए, तो एक और इसी तरीके का पार्ट टू इसका बना दूंगा। तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, अगर आपका डिमांड रहा तो बन जाएगा पार्ट टू। लेकिन और बताइए, और किन टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, और इंजीनियरिंग लाइफ के बारे में, इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में आपको और क्या जानना है। हालांकि अभी इंटर्नशिप वाला पूरा एक फुल सीरीज आ रहा होगा, एक दो वीडियोस में हम इंटर्नशिप का बेसिक्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद किस किस जॉब रोल्स में हम इंटर्नशिप ले सकते हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी होती, क्या करना होता है, वो सब डिस्कस कर रहे होंगे। प्लेसमेंट वाला फेज बाद में आएगा, लेकिन इस इंटर्नशिप से पहले आपको और फर्स्ट ईयर में काफी चीजें जाननी होती है, जैसे POR क्या होता है, CR क्या होता है, आपका CV रेज्यूमे किस तरीके से मेंटेन करना होता है, बहुत कुछ चीजें हैं, तो वो पहले डिस्कस कर ले, उसके बाद इंटर्नशिप प्लेसमेंट पे आ रहे होंगे। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बात है, कुछ मन की बात है, लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।